अस्सलाम वालेकुम। ओके दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो एक डेड बैटरी की थी, लेकिन ये जो है ना ये रियल डेड बैटरी है। मेरे ख्याल से मेरे पे 2 साल से पड़ी हुई है गाड़ी के अंदर और यूज़ भी नहीं हो रही, और ये मैंने इसको रिप्लेस किया था अपनी न्यू बैटरी के साथ। इट है, इसका सेम ही प्रॉब्लम था। अच्छा, इसकी कैपेसिटी वगैरह लेट मी क्लीन, ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आपके लिए। कैपेसिटी वगैरह आप देख लें। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर ग्रीन साइन है ना तो सही है, ब्लैक है तो चार्जेबल, चार्ज करनी पड़ेगी, रिप्लेस वाइट पर है। तो ये रिप्लेस अगर आप देखें इसको तो ये ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, वो भी मैं रिजॉल्व करता हूँ। देखें ये ब्लैक दिखा रहा है, उसका मतलब है कि ये चार्जेबल है। लेकिन जब मैं गया बैटरी शॉप के ऊपर तो उसने मुझसे कहा कि ये डेड बैटरी है और आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, और उसने मुझे रिप्लेस कर दी। लेकिन ये बैटरी मैंने अपने पास रख ली, जबकि वो लोग यही बैटरी 40-50 रियाल में ले लेते हैं। अब इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा एक्सपेंस कर दिया, जबकि अब मुझे पता चला है कि नहीं, जब बैटरी चार्ज भी हो सकती है। सो दोस्तों, आज इसको चार्ज पर लगाते हैं, देखते हैं कि चार्ज होती है कि नहीं होती। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल भर से ज़्यादा से मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है और इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, तो उसको हम चेक करते हैं बैटरी, इसको लगा के डिवाइस को, कि इसमें कोई जान भी है क्या, नहीं कोई करंट है इसके अंदर क्या नहीं है। वाओ, इसमें तो कुछ वैल्यूज़ दिखा रहा है। क्या है ये वैल्यूज़? ओके, 6.6 वोल्ट दिखा रहा था, 6.16 वोल्ट दिखा रहा था, और ये बिल्कुल डिस्चार्ज हुई भी है। तो इसको हम चार्ज करना शुरू करेंगे और देखते हैं कि अभी कितनी देर में चार्ज होती है और चार्ज होकर हमारे काम की भी है कि नहीं। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं, लगाते हैं, और अब मैं बटन ऑन करूंगा इसके ऊपर। अब देखिएगा, ऐसा फोकस नहीं हो रहा है, अभी सही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यस, ये चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, क्या बात है। मेरी पुरानी बैटरी जो कि दुकानदार ने कहा था कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये इस वक्त चार्ज होना शुरू हो गई है, और ये पिछले कोई 1.5 साल से मेरे पास पड़ी है इसी तरह स्टोर के अंदर, मेरी गाड़ी के स्टोर में थी। चलें, ज़बरदस्त, इस वक्त ये 7.6.22 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल डिस्चार्ज है ये बैटरी, 6.22 एम्पियर ले रही है, और वो बाकी तो वो उसका टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक है, वोल्ट इसके 7 वोल्ट पे आ गया है, 7.26, और ये इसी तरह बढ़ता जाएगा, वोल्ट बढ़ते चले जाएंगे। एंड ये देखें, बिल्कुल ब्लैक शो कर रहा है अंदर, इसका मतलब है एज़ पर द इंस्ट्रक्शन हेयर, इसके मुताबिक जो है ये चार्जेबल है, इसको चार्ज करना है। तो मैंने इसको चार्ज पर लगा दिया है। चलें जी, दुआ करें कि ये चार्ज हो जाए 100% और ये मेरे काम की हो जाए, तो मेरे पास एक बैटरी और हो जाएगी। आपके लिए ये अनदर जो है ना एक्सपेरिमेंट है। ये डिवाइस मैंने, मुझे तो खैर फ्री में मिली थी टीमों से, लेकिन वो कहते हैं ना, नो फ्री लंचेस, यानी कोई चीज़ फ्री नहीं होती। मैंने उनके लिए मार्केटिंग करी, उन्होंने मुझे ये डिवाइस दी। ये डिवाइस इस वक्त टीमों पर मैंने 50 या 60 रियाल की है, आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये बहुत काम की है। जब भी यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका शॉर्ट ट्रिप हो, घर का और ऑफिस का फासला ज़्यादा ना हो, तो बैटरी चार्ज नहीं होती, डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर उस सूरत में आप जाके रिप्लेस करवा लेते हैं। उसकी बजाय बैटरी निकालें, चार्ज कर लें, फिर लगा लें।